पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सूबाई असेंबलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आम इंतखाबात होंगे या ज़मीनी इलेक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं मुतलका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्तफ़ा होंगे 60 रोज में ज़मीनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ खर्च होगा। अगरचे एक ही साल में जमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियां और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर जमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो इंतखाबात कराएंगे। तर्जुमान ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाबात पर कम अज़ कम 22.5 अरब का खर्चा आएगा। वाजे रहे कि असम्बलियों की तहलील होने पर इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में 400 से ज़ायद हलकों में ज़मीनी इंतखाबात कराने होंगे। पोस्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। मज़ीद वीडियोस के लिए अपने मेहरान कुरैशी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिएगा।